है मेरी दीदी से। तो ये देखिए, क्योंकि करवा चौथ है कल, ये मैंने लगाया है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर मैं लगाती हूँ। मेरी दीदी लगा रही है मेरी प्यारी मम्मी को। ये देखिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किसका वाला सबसे ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरी अम्मी का हो ये। किसको पता था चेयर बीट पंचर करने के पीछे की इंडिया प्ले करते हैं इंडिया के लिए हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुका है। तो ये दोनों हाथों में मेरा मेहंदी मेरी दोनों बेटियाँ ही लगाई हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा वो लोग लगाए हैं मेरे को मेहंदी। तो देख रहे होंगे राइट हाथ में मेरी बड़ी बेटी लगाई है और लेफ्ट हाथ में मेरी छोटी बेटी लगाई है। तो दोनों बच्चे ही हैं, बड़े हुए नहीं अभी दोनों। छोटी छोटी बेटी मेरी 10 साल की और बड़ी बेटी मेरी वो 13 साल की है। तो वो दोनों मिलके ही लगाई है। बोलिए मम्मी इस बार मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो देखिए इतना खूबसूरत मेहंदी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं करवा चौथ के लिए रेडी हो चुकी हूँ। देखिए बस अब शाम हो गया है, करीबन 7 बजने वाले हैं। तो मैं अब जाकर पूजा दूंगी उसके बाद ही मैं चांद को देखूंगी। तो देखिए यहाँ पर निकल गई हूँ बाहर, थोड़ा सा देख रही क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका था और मौसम भी आज बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मौसम पूरा बारिश बारिश का कर रखा था, पता नहीं शाम को रात को चांद निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, कोई पता नहीं है। तो मैं अब जा रही हूँ पूजा में बैठूंगी, आधा घंटा लगेगा करीबन पूजा देने में। तो यहाँ मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ और देखिए मेरा पूजा का इस तरह से तैयारी किया गया है। मैं ये हॉल में ही पूजा दे रही हूँ और कहीं नहीं गई थी बाहर में, क्योंकि मैं अकेली पूजा दे रही हूँ, बाहर मौसम ठीक नहीं था, इसलिए इस वजह से मैं घर ही में पूजा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ के बस अब पूजा दे चुकी थी, कथा वथा जो पढ़ना होता है वो पढ़ ली थी मैं। और पूजा देने के बाद इसके बाद मैं जाऊंगी अब चांद देखूंगी, क्योंकि चांद निकल गया था। मैं पूजा में करीबन आधा घंटा या 1.25 घंटा के करीबन बैठी हुई थी। तो हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे लेकिन वो आए नहीं वीडियो में, क्योंकि बोलेंगे नहीं मैं नहीं आऊँगा वो वीडियो में, तो वो उठ के चले गए। तो यहाँ पर मेरा पूजा ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी अब चांद देखूँगी। तो आपको कैसा लगा ये देखिए, ये मेरा करवा का पूजा। तो फल है, सिंगार है और जो सब देते हैं पूजा जिस तरीके से देते हैं उस तरीके से मैं भी दी हूँ। तो ये मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो बाहर जाकर अब मैं चांद देखने जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरे जाना आ गई हूँ मैं अब किचन में। तो किचन में बस थोड़ा बहुत काम इधर का उधर फैला हुआ था, सब डिब्बा उब्बा फैला हुआ था। तो सुबह मैं सब काम कर ली थी और शाम का भी खाना जब बना ली थी, तो खाना बनाते वक्त ही जल्दी इतना जल्दी जल्दी करना था कि हमको तैयार भी रेडी भी होना था और पूजा भी देना था। तो इस वजह से मैं किचन को सरिया नहीं पाई थी। और ये त्यौहार तो आप जानते ही हैं टाइम पे ही करना पड़ता है, शाम को ही बस 5-6 बजे नहा धोवा के पूरा रेडी होना पड़ता है। और आज का रेडी होना तो 2-3 घंटा ही लग जाता है रेडी होने में। और ये करवा चौथ का त्यौहार तो सब सुहागने बहुत दिल से और मन से करती हैं। तो
तो यहाँ पर मेरा सब जो इधर को उधर बिखरा पड़ा हुआ था डिब्बे बर्तन उर्तन, तो मैं इसको अब एक साथ एक जगह पे जहाँ था वहाँ पे रख दूँगी मैं। रखने के बाद मैं अब खाने की तैयारी करूँगी। तो खाना में मैं यहाँ पर सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ, सब कुछ बना चुकी हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं सूजी बनाई हूँ और सेवई बनाई हूँ मीठा में, सूजी और सेवई। चलो बजा बड़ा बजा बजा थे क्या मगर किने आने ठीक है। मेरी मम्मी कमल कमल हाथों से पूरी बांधी है, जैसे कि लक्ष्मी माँ कई धरती पर आके पूरी छान रही हैं हमारे लिए जो हम 16 श्रृंगार किए। टेस्टी टेस्टी पूरी खुश किसको खाना है कमेंट करके बताइएगा प्लीज। आना उबल रहा है पूरी, छन रहा है टेस्टी टेस्टी पूरी। ये देखिए मेरी मम्मी दिखा रही है। ओके देखिए यहाँ पर बच्चों के थाली लग चुकी है, सूजी पूरी पूरी और सेवई। तो अब बच्चे खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो का एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो छोड़ूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं मेरे कुछ फ़ोटो देख रहे होंगे आप लोग, तो कैसा लग रहा मेरा ये पिक तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग को बाय, गुड नाइट।